और उधर वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़ी हुई एक बहुत अच्छी खबर मिल रही है। काशी विश्वनाथ मंदिर में बढ़ती श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने एक अहम कदम उठा लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी जाने से पहले काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन ने फैसला कर लिया है कि वाराणसी के स्थानीय लोगों के दर्शन के लिए अलग द्वार बनाया जा रहा है और इस दरवाजे से काशी वासियों को बाबा विश्वनाथ का दर्शन आसानी से हो सकेगा। पीएम मोदी के दौरे से पहले वाराणसी के लोगों को बड़ी सौगात। बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए अलग द्वार, बिना धक्का मुक्की के काशी वाले करेंगे काशी विश्वनाथ के दर्शन। काशी विश्वनाथ मंदिर में कॉरिडोर के निर्माण के बाद से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ हर एक दिन रिकॉर्ड कायम कर रही है। इस भारी भीड़ से अगर किसी को मुश्किल हो रही है तो वे हैं काशी वाले। उन्हें अपने आराध्य के दर्शन के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। काशी वालों की इसी परेशानी को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया है। पीएम मोदी के आने से पहले काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास परिषद मंदिर में एक अलग दरवाजा बनाने जा रहा है, जिससे अब काशी वालों के लिए बाबा विश्वनाथ के दर्शन आसान हो जाएंगे। 24-25 मार्च के आसपास इस बारे में निर्णय लिया गया था कि काशी वासियों के लिए एक अच्छी व्यवस्था बनाई जाए, जिससे स्थानीय निवासियों को बहुत समय न लगे, उनको एक अलग लाइन से प्रवेश दे दिया जाए। तो इस संबंध में उस समय मीडिया को बताया भी गया था कि जो अनुमतियाँ होती हैं उनको प्राप्त करने के बाद सुरक्षा समिति की, इसको लागू किया जाएगा। उसके बाद आचार संहिता लागू हो गई थी तो सुरक्षा समिति की बैठक हो नहीं पाई। अब सुरक्षा समिति की इस माह जो प्रस्तावित बैठक है उस बैठक में इसको अप्रूव कराते हुए और इसे लागू कर दिया जाएगा। इस तो काशी वासियों के लिए है कि जो यहाँ स्थानीय निवासी हैं उनके बारे में ये देखा गया था प्रायः कि उनको भी, जो लोग यहाँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रतिदिन दर्शन करना चाहते हैं, तो प्रतिदिन अगर दर्शन के लिए व्यक्ति आएगा और उसके 2-3 घंटे लग जाएंगे, प्रतिदिन लग जाएंगे, तो वो एक तरह समझिए जो शहर का वर्क फोर्स है, जो उनका कार्य का समय है वो घटता है, उत्पादकता घटती है। तो राष्ट्रीय हित में लिया गया कदम है कि लोग अपने समय का बेहतर उपयोग कर सकें। काशी विश्वनाथ में बने अलग गेट से काशी वाले सीधे गर्भगृह तक जा सकेंगे। इससे उनको रोज आने वाली भीड़ से 2-4 होना नहीं पड़ेगा। काशी विश्वनाथ न्यास परिषद की इस पहल से काशी वाले बेहद खुश नजर आए। ये काफ़ी अच्छी सुविधा है, जिससे कि हम यहाँ के बनारस वासी इतनी भीड़ और इतने लोग आ जाने की वजह से हर दिन 1.5-2 लाख लोग आ ही जाते हैं आए दिन इतने दर्शन के लिए, तो काफ़ी भीड़ हो जाती है काशी विश्वनाथ टेम्पल में। तो यहाँ के लोगों को उतना दर्शन नहीं मिल पाता है, उतने अच्छे से लोग दर्शन नहीं कर पाते। इवन बाहर वाले तो आके दर्शन करके चले जाते हैं, बट यहाँ के लोग ही दर्शन नहीं कर पाते हमारे महाकाल का। तो सबसे अच्छी सुविधा आई है, जिससे कि यहाँ के लोग भी अच्छे से दर्शन कर सकते हैं और पूरी तरीके से बाबा का स्पर्श भी ले सकते हैं। दरअसल मंदिर प्रशासन ने इस योजना को लोकसभा चुनाव से पहले ही बना लिया था, लेकिन आचार संहिता लागू होने से इस पर ब्रेक लग गया था। अब आचार संहिता खत्म होने के बाद इस काम को शुरू किया जा रहा है, जो काशी वालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा।